केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने सोमवार को डुम्बारी बुरु में आयोजित शहादत दिवस समारोह में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने यहां के आदिवासियों, जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जन्म लिया था। उनके संघर्ष से संस्कृति, जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए शेड्यूल एरिया का कानून बना। हम 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हैं। हमारे पूर्वजों और बिरसा मुंडा ने जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। अब हमारे समाज के ही लोग जमीन बेच रहे हैं, जबकि जमीन बचाने के लिए कानून बनाया गया है। राज्य सरकार को उन कानूनों को लागू करने के लिए कार्य करना चाहिए। आदिवासियों के हक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पदाधिकारी भी इस बात का ध्यान रखें कि आदिवासियों की परंपरा और सम्मान पर हमला नहीं हो। इससे पहले उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और डोम्बारी बुरु के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय आदिवासी मंत्रालय का गठन किया गया था। बिरसा मुंडा की धरती से चुने गए जनप्रतिनिधि को आज वह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। फॉरेस्ट राइट एक्ट आदिवासियों के लिए है। इसका लाभ उन तक पहुंचे। आदिवासी समाज की शिक्षा के लिए उनके मंत्रालय से 740 आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का आशीर्वाद लिए बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। डोम्बारी बुरु में कई लोगों ने बलिदान दिया है। अंग्रेजों ने 400 से 450 आदिवासियों को मार डाला था। बिरसा मुंडा की कहानी को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। इस क्रम में केंद्रीय मंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी विरसाइतों से मुलाकात की और उनकी मांगे सुनी। खूंटी से चंदन कुमार की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।